दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप मसाले का होलसेल का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। मात्र कुछ पूंजी लगा करके आप होलसेल का बिजनेस मसाले का शुरू कर सकते हो, उस पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों ये कैसे करना है, आप किस तरीके से इस काम को कर सकते हो, इस पर कितना प्रॉफिट होगा और कितने रुपए आप कमा सकते हो और किस तरीके से इसकी मार्केटिंग करनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक का जरूर देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों जो मैं आज मैं बताने वाला हूँ इस पर आपको पैकेजिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं बताने वाला कि इस पर आपको पैकेजिंग करके और आपको मार्केट में सेल करना। दोस्तों आपको ये जो एक बता रहा हूँ मैं ट्रिक, वो आपको बिल्कुल नया तरीका बता रहा हूँ और आपको जो ये तरीका बताने वाला इस पर थोड़ा सा लंबा इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो दोस्तों आप लोग ये मत समझिएगा कि इस पर अगर लंबा इन्वेस्टमेंट होगा तो ये बिजनेस नहीं चलेगा। दोस्तों आप लोग इसको गौर से थोड़ा सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ना कि ऐसे नहीं समझ में आने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और तो दोस्तों आज मैं जो बताने वाला हूँ कि आपको जैसे मसाले का काम करना है, दोस्तों अगर आपके पास लाख से 1.5 लाख रुपए अगर शुरुआत में लगाने की क्षमता है तो ही इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मैं आगे की जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो थोड़े से पैसे लगाने पड़ेंगे तो भी बिजनेस आपका चालू होगा। दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको शुरुआत में जैसे कि जहाँ बड़ी मंडी होती है, होलसेल की मंडी होती है, आपको वहाँ से मसाले लेके आने। जैसे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मसाले का जो मुख्य जो राज्य है वहाँ जो हर जगह अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे कि केरल राज्य में आपकी इलायची और गुजरात में जीरा, इस तरीके के जो 4 से 5 राज्यों में आप मिला करके आप वहाँ से पूरा 20-30 हज़ार रुपए का मसाला लेकर के आइए। और वहाँ से लेके आने के बाद आप अपने गोडाउन पे रखिए। गोडाउन पे रखने के बाद आपको करना क्या है, इस पर आपको अब ये मेन काम करना है कि आप जितनी भी बड़ी बड़ी होलसेल की दुकानें होती हैं, जो भी बड़ी बड़ी होलसेल की दुकानें, उनसे आप बल्क में ऑर्डर लीजिए। दोस्तों ना कि 1-2 केजी की ऑर्डर नहीं लेना, आपको हर चीज़ों के बोरी के ऑर्डर लेना है। जैसे कि आपने जीरे की बोरी रखी है, आपने उसके बाद इलायची की जैसे 1-1 केजी की पैकेट बनाया है, 2 या 2-2 केजी की पैकेट बनाया है, या 5 केजी का बैग बनाया है, उस तरीके से आप उनसे ऑर्डर ले सकते हैं। और उसको ऑर्डर को देने के बाद जैसे दोस्तों अगर इन ऑर्डर में लेने से होता क्या कि आपका अगर 10 रुपये किलो का कभी अगर रेट से आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यकीन मानिए कि होलसेल के जो दुकानदार होते हैं, एक दुकानदार आपसे कम से कम 10-20 केजी का माल लेगा तो उस पर आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है आप खुद ही जोड़ लीजिए। आपको एक दुकान से, एक शॉप से आपको 500 से 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर आपने 10 से 20 दुकानें अगर ज्वाइन कर ली तो यकीन मानिए आपको महीने का अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप जो इस बिजनेस को मैं बता रहा हूँ तो इसको गौर से सुनिएगा। तो आपको यही करना है कि शुरुआत में आपको जो भी जितने भी जो किसान होते हैं, जो ये सब वगैरह मसाले की चीज़ें जो उगाते हैं, उनसे डायरेक्ट आपको संपर्क करना, या तो आपको उन कंपनियों से संपर्क करना जो बल्क में ऑर्डर देती, जो माल देती हैं, तो उन लोगों से आप माल लेके आएंगे। उसके बाद यहाँ जो छोटे छोटे होलसेलर बैठे होते हैं उनको आप माल देंगे। तो आप वहाँ से जैसे आप 100 रुपये केजी का लेके आते हैं तो आप यहाँ आप देते हैं 120 रुपये केजी का, तो वो आसानी से ले लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा झंझट नहीं करना होता है। वो ये सोचते हैं कि हमारे दुकान पे माल आए और हम उनके दुकान में भी दुकानदार जो आते हैं वो डायरेक्ट लेके जाते हैं। तो इस तरीके से काम अगर आप करोगे तो यकीन मानिए आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा और अच्छा खासा आप पैसा कमाओगे। इसी तरीके से आप इलायची पैकिंग में, इसी तरीके से आप जो भी जितने भी मसाले की चीज़ें आती हैं, दालचीनी, सभी चीज़ें आप लेकर के अपनी स्टोर कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे उसको सेल करते रहिए। इस पे दोस्तों आपको कुछ भागने जो कि दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक दिन क्या करना होगा, महीने में या हफ्ते में एक दिन अपने बाइक से जाना होगा और ऑर्डर लेके आ जाना है और दूसरे दिन उस माल को डिलीवर करवा देना है। किसी तरीके से भी आप डिलीवर करवा सकते हैं, जैसे बाइक से करवा सकते हैं, या तो आप कोई भाड़े का कोई लोडर वगैरह या कोई वैसा व्हीकल जो भारी व्हीकल हो जिसमें जैसे भी आपका ऑर्डर हो उस तरीके का लेकर के आप उसको ऑर्डर करवा के डिलीवर करवा सकते हैं। और या तो एक काम आप कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोगों को जोड़िए जो मसाला पैकिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, तो उन मसाला पैकिंग को काम शुरू करने वाले लोगों को आप क्या करिए, 5-5 केजी दीजिए और वो मसाला पैकिंग करके आगे मार्केट में सेल करेंगे छोटी छोटी जो पाउच बना करके, तो उससे भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इसके लिए आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको अपने पास पाउच भी रखने पड़ेंगे। तो पाउच जो दोस्तों आपको कहाँ से मिलेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, उसमें आप हमको कॉल करिए तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सिल्वर पाउच होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से आप मंगवा सकते हैं, सभी जानकारी मैं दूंगा। लेकिन दोस्तों आप शुरू करना चाहते हैं तो जिस तरीके मैंने आपको ट्रिक बताई है कि बड़े बड़े जो दुकानदार हैं उनसे संपर्क करके आप बिजनेस को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। मेरी वीडियो में से आप कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाते रहते हैं और आपको नॉलेज देते रहते हैं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।